यार देखो, मंकी मैन मुझको ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि ये हनुमान जी की स्टोरी को एब्जॉर्ब तो करती है, दिखाती तो है, बताती तो है, बट हनुमान जी जैसा शौर्य, शक्ति और माइंडसेट इस मूवी से मिसिंग लगता है मुझे। मतलब हनुमान जी की अगर तुम कोई स्टोरी, अगर कोई भी लेट से मैं अगर हनुमान जी की स्टोरी को एब्जॉर्ब करूँगा, उन्हें सुनूंगा, जो कि मैं सुनता भी आया हूँ कि हनुमान जी ने इतने सारे बड़े बड़े काम किए थे, समुद्र लांग गए थे राम जी के कहने पे, और राम जी के इतने बड़े भक्त हैं, तो उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है उनकी शक्तियों पे। और ये चीज़ मुझे मिसिंग लगी इस मूवी में। बल, बुद्धि और विद्या के दाता है हनुमान जी, और इस मूवी में मुझे साहस तो दिखा बट बल, बुद्धि और विद्या मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दी, जो कि एटलीस्ट डालनी चाहिए थी कि जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है देव पटेल का, उसको कम से कम इतना तो सिखाया जाना चाहिए था, चाहे किसी के भी द्वारा इतना तो सिखाना इतना तो सिखाना बनता था कि भाई थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो उसके लिए बल, बुद्धि, विद्या तीनों चीज़ें लगती हैं। बट इस मूवी को देख के सिर्फ इतना लगता है कि रिवेंज स्टोरी में हनुमान जी की स्टोरी जो है वो ओवरलैप हो गई है, मतलब किसी तरह बस एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, और बस यही बात मूवी को ऑडियंस से खींच ले जाती है, बाहर खींच ले जाती है यही बात। और इसी बात से मैं कनेक्ट नहीं कर पाता मूवी के साथ। मुझे लगा था कि ये मूवी नेक्स्ट बिग थिंग होगी बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाया इस मूवी से, और मुझे नहीं लगता कि वन टाइम वॉच से ज़्यादा आपको ये देखनी चाहिए।